गाइस, मेरे चैनल का नाम है असद भाव। वेलकम बैक टू माय चैनल विथ न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक बहुत क्रेजी होने वाला है, क्योंकि आज है भीम जयंती, मतलब 12 बजे से चालू होगी। आज 13 अप्रैल है, तो कल से चालू होगी। तो आज उसी जलोश में एक ब्लॉग बना देता हूँ, ऐसे सोचा था मैंने। तो चलिए आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ, कैसे और क्या क्रेजी मज़ा आने वाला है। ये वीडियो एंड तक देखना। देख सकते हैं यहाँ से हमारा एरिया चालू होता है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री गेट है, जो हमारा एंट्री गेट है, देख सकते हैं यहाँ पर। अरे मेरा दोस्त जा रहा है, एडी तैयार नहीं हुआ। नहीं हुआ भाई, बहुत टेंशन है। और अरे चलना यार, तो बंद हो ना दुकान वाले। मैं जा रहा हूँ फटाखा लेने के लिए। क्या चलेगा, चलेगा, तो आपको दिखाते हैं बाद में। बाय बाय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी एरिया में एंटर हो चुका हूँ, और पूरा ब्लू दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। तो ये देखिए, ये जो हमारा, मैं यहाँ पर बचपन से खेलते आते हुए आ रहा हूँ, और ये हमारा स्तंभ है, देख सकते हैं। अभी हम लोग हमारे एरिया में आ चुके हैं, और एरिया में देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ लाइटिंग लगी हुई है, और ये पताके देख सकते हैं जो नीले कलर के हैं। अभी हमारे एरिया में दोनों तरफ लाइटिंग है, और ये हमारा बुद्ध विहार है, और मेरा दोस्त भी आ चुका है, तुषार, देख सकते हैं। तो अभी हम लोग ने ढोल वगैरह सब मंगाए, और मेरे दोस्त को वहाँ पर मेरा वेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं और सबको आपसे मिलाता हूँ। जयंती के बाद के वहाँ पर ढोल वाले भी खड़े, और ये देखो मेरा एक दोस्त आ गया। ये इसको पहचानते होगे तो इसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना। अरे गाइस, जय भीम गाइस। ये रुको, ये तो गाइस है मेरा भाई अर्शु, ये हमारे एसएस व्लॉग्स, और आज हम रैली निकलने वाले। ये दोनों को अगर आप पहचानते होगे तो ये दोनों के नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और प्लीज कमेंट करना। मुझे पता नहीं, अगर आपको पता होगा तो प्लीज कमेंट करना। गाइस आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारी तैयारी हो चुकी है, अभी रैली जाने वाली है अभी यहाँ से। ये ढोल हमारे पड़े हुए, ये देख सकते हैं, ये काके, ये हमारा काके, ये हमारे काके भाई को, ये देख सकते हैं बिट्टू हमारा फुल फॉर्म में, ये देख सकते हैं प्रफुल, और यहाँ पर हमारे ढोल लग के, उधर हमारे ढोल वाले, ये स्वप्निल आमन, सबसे आपको एक एक करके मिलाता हूँ। तो मिलता हूँ आपको आगे, टेंशन मत लीजिए, मिलाता हूँ। Thank you.
आज डे टू मतलब आज है 14 अप्रैल, तो आज 14 अप्रैल के दिन हम लोग देख सकते हैं हम लोग ने जूस मतलब जो रसना था उसका आयोजन किया था, तो बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया है। तो आपको मिलता हूँ आगे और डे टू की आपको जानकारी देता हूँ। चलिए मिलते हैं आपको आगे। आप देख सकते हैं ये हमारे बाबा साहेब की जयंती है, तो 132वें जयंती निमित्त में सबको आपको जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और ऐसे लोग के तरफ से तो बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। ये मेरा दोस्त है सिद्धार्थ, देख सकते हैं। हेलो गाइस, तो ऐसे ब्लॉग की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामना। तो आप देख सकते हैं ऐसे ब्लॉग में बहुत सारा आपके लिए वीडियो बनाया है, सब्सक्राइब किए, वीडियो का लाभ लीजिए, लोगों तक पहुँचे इसके लिए। तो आप मिले आगे, मिलता हो, चलिए चलो।
ये 14 अप्रैल का हमारा त्यौहार है। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की जयंती है। उस निमित्त 132वीं जयंती में बहुत सारा मज़ा आया, बहुत सारा क्रेज़ हुआ, हर जगह जगह पर डीजे ढोल ताशे सब थे। तो अभी हम लोग आए थे कुरला कैंप में कवर करने आए थे। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना अच्छा डेकोरेशन किया था। और हम लोग बहुत लेट हो गए, मतलब बोलने गए, क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्दी थी ना, क्योंकि हम लोग को शूटिंग निकालने को पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। तो कैसे हम लोग थोड़े टाइम के बाद आ गए। देख सकते हैं यहाँ पर इतना अच्छा डेकोरेशन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं बाबा साहब का स्तंभ है, और वहाँ पर देखिए वास्तु पर भी एक अच्छे तरह डेकोरेशन किया है। आपको एक एक करके मैं आगे दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ। तो अभी आप देख सकते हैं, और जो लोगों ने हमारे साथ साथ दिया, जो इस वीडियो में थे, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। बहुत लोगों ने एरिया में से सपोर्ट किया और बाहर से भी सपोर्ट किया है। तो ये भीम जयंती का महाउत्सव जो 14 तारीख को था, तो बहुत मज़ा आया और बहुत फन किया। तो अभी हम लोग वो डेकोरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे तरह हर जगह दिखेगी आपको ये डेकोरेशन। देखिए आप, अरे आप तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारत के संविधान का डेकोरेशन किया हुआ है, और बहुत अच्छी तरह किया हुआ है। ये पीपल का पेड़ है, देख सकते हैं पीपल का पान है, तो उस पर डेकोरेशन किया है और बहुत अच्छी तरह किया है, देख सकते हैं आप। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लाल चक्की चौक में, और लाल चक्की चौक में देख सकते हैं आप कितना बड़ा सेटअप लगा हुआ है, जो जयंती का बहुत बड़ा सेटअप लगा हुआ है। और ये लोग हर साल नए नए थीम लेके आते हैं। इस साल भी आप देख सकते हैं कुछ नई थीम लेके आए, देख सकते हैं आप। गाइस फाइनली हम लोग हमारे यहाँ पर पहुँच चुके हैं सुभाष टेकड़ी में, और सुभाष टेकड़ी में बहुत ख़तरनाक तरीके से जयंती उत्सव हुआ है। तो ये वीडियो मैं मतलब रात में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मतलब जब यहाँ पर क्राउड था तभी हम लोग को पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मतलब क्राउड ही इतना था ना, तो क्या बोले आपको। तो अभी आपको बता रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। अभी आपको ऊपर जाके मैं बताता हूँ, चलिए मेरे साथ। देख सकते हैं कितना अच्छे तरह डेकोरेशन किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा अच्छे तरह, और फूल ही फूल हो चुके हैं, देख सकते हैं आप हर जगह फूल है। तो मैं मतलब सबसे लास्ट में मैं आया हूँ, सब लोग देख सकते हैं आप, पूरी पब्लिक देख सकते हैं, पूरा खाली हो चुका है यहाँ पर, बहुत सारी गर्दी थी, तो सबसे लास्ट में मैं पैर पड़ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बाजू में ही रहता हूँ, और सबसे लास्ट में मैं आ रहा हूँ, क्योंकि क्राउड ही इतना था ना, मतलब लाखों के तादाद में पब्लिक आई थी और बहुत यहाँ पर गर्दी थी। तो अभी देख सकते हैं आप कितना अच्छा डेकोरेशन किया है, आपको नीचे से देख सकते हैं 2023 की जयंती महोत्सव हो चुकी है। तो
आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। और लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जय भीम। लाइक सब्सक्राइब।